हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा, सब मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसे आप परमानेंट के लिए डिलीट कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वेबसाइट को ओपन। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी यहाँ पर ये ब्लॉगर वेबसाइट है और इसे मैं यहाँ पर परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो किसी कारण डिलीट करना चाहते हो, तो मैं इसी कारण यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर इस पर अप्रूवल नहीं हो रहा है। पहले मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट लिखी थी 50 से ज़्यादा, लेकिन उसमें अप्रूवल नहीं मिला और मैंने वापस इसे चेंज किया, जिसके कारण मुझे वापस यहाँ पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो मैं इसके कारण इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर थ्री लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक नाम यहाँ पर देख लेना है, रिमूव ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पर है वो नाम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा रिमूव योर ब्लॉग। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए रिमूव योर ब्लॉग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो डिलीट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड ब्लॉग। तो अगर आप अपने जो ब्लॉग पर जितनी भी पोस्ट लिखी है उनका आप डाटा यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो या वो पोस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप जितनी भी पोस्ट और उनके जो डाटा है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कोई भी डाटा या पोस्ट डाउनलोड नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो योर ब्लॉग वाज डिलीट 24 अगस्त। तो हमारा जो अकाउंट है वह हम अभी यहाँ पर डेट 24 अगस्त है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 24 अगस्त आज की डेट है। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। और यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अनडिलीट और परमानेंट डिलीट। तो आपको परमानेंट डिलीट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ब्लॉगर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, OnePlus Nord 2। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने फिर से एक पॉपअप आएगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट डिलीट, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एड ब्लॉग योर फॉलो एंड रीडिंग लिस्ट। तो आपका जो यहाँ पर ब्लॉग था वो यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब आप ये कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो थ्री डॉट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही आपका जो ब्लॉग है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप कैसे पता कर सकते हो कि वो डिलीट हुआ या नहीं, तो आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ब्लॉग। तो अगर आपके ये ऑप्शन आ जाता है तो आप ये समझ लेना कि आपका जो ब्लॉगर वेबसाइट थी वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पर नया एक ऑप्शन आ चुका है क्रिएट ए ब्लॉग। तो अगर आप यहाँ पर फिर से नया ब्लॉग ओपन करना चाहते हो या उसका नया अकाउंट बनाना चाहते हो, तो मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, आप वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वरना आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।